जैसी एक अच्छी कंपनी के साथ। और मैं इसके लिए सर धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इंसान के रूप में धरती पर भेजा। वो चाहते तो मेरे को दो टांग की जगह चार टांग भी लगा सकते थे, लेकिन सर हम सब मिलकर हम सब क्या है कि इंसान बनाए, ये उनके लिए भगवान के लिए सर बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बड़ी बात ये कि सर ईवाइटम जैसी अच्छी कंपनी थी जिनके सीएमडी डॉक्टर सागर जोशी, जिन्होंने मेरे हिसाब से दुनिया पर सर एक ऐसा एक मसीहा बनकर इस दुनिया पे उतरे हैं वो, कि न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सर एक मसीहा बन के आए हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे लोगों के लिए सर बना दिया है कि एक आम से आम आदमी भी एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बना दिया है कि जिस भी किसी आदमी के पास कोई भी सॉल्यूशन हो, हेल्थ से लेकर वेल्थ से लेकर, एक आदमी सर किसी भी खास से खास सॉल्यूशन को सर जो है वो रिसॉल्व कर सकता है। तो सर मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मेरा नाम सतेंद्र चौहान है और मैं एनसीआर में पलवल डिस्ट्रिक्ट है वहां से एक छोटा सा गाँव है श्रीनगर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी माता जी की बीमारी मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, अगर मेरी माता जी बीमार नहीं रहती शायद मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड था। मैं ऑलरेडी मेरा बिजनेस रन कर रहा था, मैं बहुत बहुत अच्छी से 5 फिगर की इनकम मैं ले रहा था, बट प्रभु को जैसा मंजूर सर ऐसा होता है। तो सर होता क्या है कि मेरे एक साथी है डॉक्टर साहब, वो मेरे अपलायन है, मैं उनको जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जब वो मेरे पास शुरू में आए थे तो सर मैंने उनको 3 महीने तक 3.5 महीने तक उनको मैंने सुना ही नहीं कि सर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, बिना दवाई को ले कोई कैसे ठीक हो सकता है। बट सर आज तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ, तो जब मेरे पास वो आए तो मैंने सर उनको इग्नोर कर दिया। मेरे दोस्त हैं कई बार जो बहुत नजदीकी दोस्त होते हैं उनकी बात कई बार मानते नहीं है, लेकिन सर फाइनली क्या हुआ, मैंने उनकी बात मान ली। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जिन भी साथी ने आपको ये लिंक भेजा है वो आपके आज की डेट में सच्चे सबसे जो कि मैंने 3.5 महीने तक मैंने उनको इग्नोर किया, आपसे मेरा निवेदन है प्लीज आप ऐसा नहीं करें और जितनी जल्दी हो सके आप ईवाइटन प्रोडक्ट अपने लिए अपने परिवार के लिए उसको जरूर मंगवाएं। तो सर वो प्रोडक्ट मैंने लिया और मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊं कि वो प्रोडक्ट मैंने लिया तो अपनी मम्मी के लिए था, क्योंकि मेरी मम्मी पिछले 50 साल से बीमार थी। और जब मेरा जन्म हुआ मेरी उम्र 50 साल लगभग है, उस समय मेरी बीमार मम्मी बीमार हो गई थी और मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी और स्थिति इतनी खराब थी कि उनका जो लीवर था पिछले जो 8 साल गए हैं उस समय डॉक्टर ने उसको काट के निकाल दिया था और ये कह के निकाल दिया था कि इसके अंदर तो कीड़ा है। और जो लगातार 8 साल से जो दवाइयां खाई उस तो दवाई खाने की वजह से होता क्या है, बाकी सारे ऑर्गन काम करना धीरे 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 छोड़ चुके। और मैं डॉक्टर साहब इसी बात से कहता कि डॉक्टर साहब बड़े बड़े डॉक्टर मिल लिए, हम बहुत बड़ी जगह इलाज करा चुके सर, कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का बिलीव था कि सर ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आज आज की डेट में सब कुछ संभव है। तो सर मैंने वो प्रोडक्ट लिया अपनी माँ के नाम से कि मैं माँ को ठीक करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, उनका लीवर काट के निकाल दिया था और मम्मी की खुराक आधी रोटी सुबह और आधी रोटी शाम की चल रही थी, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी की कभी ठीक हो पाएंगी। तो मैंने ये सोच करके वो प्रोडक्ट मैंने अपनी मम्मी की बजाय अपनी घरवाली को दे दिया, बस ये था कि मम्मी तो ठीक हो नहीं पाएंगी, इसका कारण ये भी था। और दूसरा कारण ये था कि मेरी घरवाली को कोरोना हो गया था और कोरोना होने की वजह से उसके बॉडी में मल्टीपल डिजीज थे और उनके एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज हम पिछले 1.5 साल से सर्च कर रहे थे, ENT की प्रॉब्लम थी, वो उनके कान में झींगुर जैसी आवाज, जैसे साई साई की आवाज जो होती है उस तरीके की बन गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई मम्मी तो ठीक शायद नहीं हो पाए, आप इसको यूज करें और यूज करने के बाद आप मेरे को बताएं क्या रिजल्ट आता है। बस सर वो ऊपर वाले की वो शुभ घड़ी थी, मैंने डॉक्टर साहब की बात तो मानी थी और उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करवाया। लगभग 25 दिन के बाद मेरी घरवाली मेरे से बोला कि जी मेरे को कुछ आराम है। और एक समय ऐसा आया धीरे धीरे लगभग महीना पूरा होते होते उन्होंने ये कह दिया कि मेरी कान की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और ENT डॉक्टर्स ने सबने ये कह दिया कि इसका समाधान कोई नहीं है,
इसका समाधान सिर्फ योगा है, प्राणायाम है। अगर होगा तो कभी योगा प्राणायाम से कभी खुल सकती है नसें, इस नसें कभी नहीं खुल सकती। लेकिन इस प्रोडक्ट ने कमाल कर दिया। जैसी जैसी मेरी घरवाली को आराम पड़ा, मेरे दिमाग में विचार आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि माँ ये सोच ले कि बेटा भूखी बड़ी चिंता, मेरी चिंता नहीं है। इसलिए मैंने इसका जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो मैं अपने घर अपने माँ के लिए लेके आया। और 20-25 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरी मम्मी मेरे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आराम हो। बड़ी याद मेरे अंदर जा नहीं रही थी क्योंकि डॉक्टर साहब कहते थे कि ये ना लीवर को नसों पे काम करता है। मुझे लगता था कि डॉक्टर साहब कहते नसों पे काम करता है लेकिन लीवर का इससे तो कोई संबंध है ही नहीं। तो होता क्या है, कई बार और सारी ट्रीटमेंट भी कराते हैं, कुछ एलोपैथी के अलावा न्यूट्रिशन भी कराते हैं, तो मुझे लगा किसी और का ये रिजल्ट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। फिर मैंने मम्मी से बोला कि एक काम करके 15-20 दिन और ट्राई करिए, उसके बाद बात करते हैं जो कुछ होगा। लेकिन 45 डेज के अंदर मेरी माँ ने ये कह दिया कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे कुछ घुटनों में सूजन थी वो खत्म हो चुकी है। जो मैं आधी रोटी सुबह खाती थी आज से 1.5 महीने पहले, अब मैं 3 रोटी सुबह खा रही हूँ, 3 रोटी शाम खा रही हूँ, मेरा लीवर बिल्कुल काम कर रहा है। तो सर ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे संभव है। फिर जैसे जैसे ये बात मेरे रिश्तेदारों को पता चली, मेरी बुआ जी को पता चली और लोगों को पता चली, तो ये प्रोडक्ट उन लोगों ने मंगाया, फिर रिजल्ट आते चले गए। और सबसे बड़ा रिजल्ट मेरे घर में जब आया, जब मेरे चाचा जी 60 साल पुराने अस्थमा के मरीज थे जिनके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती, सिंगल दवाई, उनको हम ऐसे रखते थे कि सर्दी में इनको सर्दी नहीं लग जाए, हवा नहीं लग जाए, और उनको नसों में एक इंजेक्शन सुबह लगता था। जब उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप मेरे लिए ले आओ, तो मैंने कहा चाचा जी ये आपको तो ठीक ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इसके बारे में जब तक कोई जानकारी नहीं थी। डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करिए आप इनको दे दीजिए, और मैंने उनको दे दिया। क्योंकि कंडीशन ये थी कि कभी भी वो इस दुनिया छोड़ के जा सकती थी। तो मैंने जब काउंसलिंग करी, घर वालों से बात करी, मैंने बुआ जी से बात करी, कुछ इस मैगनेट ने कुछ नुकसान कर दिया तो मेरे बुआ जी ने कहा बेटा कुछ है तो है नहीं, शरीर में तो कुछ है नहीं, अभी भी कौन से ठीक है, मरे तो पहले ही पड़े, इनमें कुछ है तो है नहीं, एक बार ट्राई कर लो। तो दोस्तों हुआ क्या, लगभग 27-28 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कभी जिंदगी में अस्थमा नहीं था। और जैसे ये 3-4 घटनाएं मेरे घर में घटी, मुझे लगा सत्तर इससे अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं। यदि ये 50 साल पुराने मरीज मेरी माता जी को ठीक कर सकता है, 60 साल पुराने मरीज मेरी चाचा जी को ठीक कर सकता है, तो फिर ये किसी को ठीक कर सकता है। तो एक तो मेरे दिमाग में ये विचार आया था, दूसरा विचार ये आया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत है, ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ लोग बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, बदन का दर्द, कमर का दर्द, पता नहीं कितने सारे दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैं कह ऐसा तो कोई घर है ही नहीं। तो जब मैंने ये सोचा कि अगर इसको मैं प्रमोट करूंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और बहुत बड़ा काम ये सोच करके मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं एक बार मैं अपने जो अपने सीएमडी साहब उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे अंदर कुछ सवाल चल रहे हैं, अगर वो क्लियर हो गए तो फिर मैं इसमें बहुत बड़ा काम डॉक्टर सागर जोशी जी से, हमारे जो सबसे प्यारे सीएमडी साहब है उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। अकेले में मिलने का मौका मिला तो बहुत सारी बातें भी हुई, और उन बहुत सारी बातों में जब मुझे पता चला कि दुनिया में जो भी बीमारी जो होती है उनमें से 99% बीमारी होने का एक ही कारण होता है, वो होता है ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना, और उसकी वजह से शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचना। जब ये थ्योरी मैंने सब और समझने के बाद जब मैंने सर काम किया, तो मैं थोड़ा बहुत नेटवर्किंग जानता था। होता क्या है, पहले ही महीने मेरा इनकम 60,000 रुपए, हैरान था सर कि आज तक ऐसा कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं देखा कि पहले ही मैंने 60,000 रुपए कमाए। प्रॉब्लम मतलब मैटर ये नहीं है 60,000 रुपए कमाए, उन 60,000 रुपए कमाने के पीछे जो मुझे आशीर्वाद रूपी जो 60,000 रुपए मिले, उनमें कम से कम मैं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुका था, और उनका जो आशीर्वाद के रूप में जो मुझे पैसा मिला वो 60,000 रुपए मिला था, और उससे मैं भी खुश था और जिन किया था वो बहुत खुश थे।
जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मेरे को एक दो लोगों से मिला देते, भैया इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है। और मैं ऐसे करते करते आगे बढ़ता चला गया। और मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया, उस विचार का मैंने नाम रखा मिशन हैप्पी इंडिया। और मिशन हैप्पी इंडिया में मैं अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाता चला गया जो लोग प्रॉब्लम में थे, जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम थी या वेल्थ की प्रॉब्लम थी, मिशन हैप्पी इंडिया के साथ जोड़ता चला गया। और ये सारे काम बढ़ता चला गया। और आज मिशन हैप्पी इंडिया के अंदर लगभग 3,500 के साथ लगभग मेरे साथ कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, ना तो काम कर रहे हैं बल्कि उन आम ऐसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं जिनका समाधान दुनिया में किसी के पास नहीं था। और उसी आशीर्वाद के रूप में मुझे न केवल मुझे पहली मुझे और उसके अलावा मेरी टीम में 4 लोगों ने ये कार और ली, और अभी 2 कार और बुक ऑलरेडी पाइपलाइन पे है। और सर मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप उस पहले तो काम दे सकता था और आज काम रोजगार की बात छोड़िए सर, सतेंद्र जी आपकी आवाज कट रही है सर, आई थिंक आप ट्रैवलिंग में है, आपका नेटवर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा। आपके हाथों से लाखों करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। हेलो ओके आई बिलीव सतेंद्र जी अभी थोड़ा ट्रैवलिंग में है और उन्होंने फिर भी आज हमारे साथ कनेक्ट हुए अपनी पूरी बात रखने के लिए।